अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि GoPro Hero 7 के साथ एक्सटर्नल माइक कैसे कनेक्ट करते हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा कि मेरी पिछली कुछ वीडियो में जो रिकॉर्डिंग मैंने GoPro के साथ की थी उसमें वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था। वॉइस उसमें रिकॉर्ड हो रही थी, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ रही थी। उसकी तो दो वजह हैं। एक वजह तो ये थी कि जो GoPro का जो माइक है उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग काफ़ी लो है। उसकी दूसरी वजह ये थी कि जो GoPro का अपना ट्राइपॉड है ओरिजिनल, तो शायद मेरे वाले में प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो उसकी ये लेग्स हैं तो ये आपस में टकराती हैं। मतलब जब आप उसको होल्ड करते हैं तो छोटी छोटी आवाज़ होती है, लेकिन जो GoPro का माइक है वो की आवाज़ है उसको काट कर लेते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है। अभी उसका मैंने एक सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे दो अलग से एसेसरीज परचेज करनी पड़ी हैं। उनमें से तो एक एसेसरीज है इसका व्लॉगिंग केस। तो ये एक स्पेशल केस है जिसके साथ आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर माइक कनेक्ट होता है, एक्सटर्नल माइक जो होता है, और इसके नीचे एडाप्टर फिट करना पड़ता है। तो एक तो ये केस परचेज किया है, ये इस तरह का केस है बिल्कुल। तो जो GoPro का अपना ओरिजिनल केस है उसे थोड़ा सा बड़ा है कि इसके नीचे जो जगह बनी होती है एडाप्टर फिट करने के लिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा GoPro का एडाप्टर, तो जो GoPro Hero 7 है उसके साथ आप डायरेक्टली एक्सटर्नल माइक कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो पोर्ट है उसमें एक तो उसकी USB पोर्ट है C टाइप की, और एक उसके साथ जो है HDMI है, मिनी HDMI की जगह बनी हुई है। तो उसमें एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करने के लिए कोई पोर्ट नहीं बनी हुई, कोई जगह नहीं बनी हुई, तो इसलिए हमें अलहदा से ये एडाप्टर परचेज़ करना पड़ता है। प्रो 3.5 मिलीमीटर माइक है एडाप्टर। तो ये कंपैटिबल है Hero 7 ब्लैक, Hero 6 ब्लैक और Hero 5 ब्लैक एडिशन के साथ। और ये इस तरह का एक एडाप्टर है। तो इसकी ये तकरीबन इतना सा इसका साइज़ है। तो इस एडाप्टर को फिट करने के लिए हमें ये स्पेशल केस चाहिए होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें ये एडाप्टर GoPro के साथ इस केस में फिट कैसे करना है और ये कैसे ऑपरेट करेगा, ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये एडाप्टर इस केस में फ़िट करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जगह बनी हुई है, तो ये बड़े आराम से इसमें फ़िट हो जाता है। तो हम इसमें इसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे, ये बड़े आराम से इसमें इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है इसमें, ये देखें। तो ये बिल्कुल इसमें फिट हो गया है, अभी ये मूव नहीं हो रहा। अभी हम इसमें GoPro को फिट करते हैं। तो GoPro को फिट करने के लिए इसकी जो बैक साइड पे ये एक डोर सा बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं अंदर की तरफ, ये आराम से निकल आता है। देखें, ये इसका डोर अलहदा हो गया है। GoPro को इस केस में फ़िट करने से पहले यहाँ पे इसकी USB पोर्ट बनी होती है, वहाँ से हमें ये डोर निकालना होता है। तो ये डोर बड़े आराम से इसका निकल आता है, ठीक है। तो ये इसमें बड़े फिट भी हो जाता है, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं। तो ये डोर हमने अलहदा कर दिए, ये आप देख सकते हैं। तो इसको आप संभाल कर रख लें इस डोर को। अभी हम इसको इस केस में फिट करते हैं। तो ये GoPro हमने इसके अंदर फिट कर दिए, और दोबारा से ये इसका जो बैक कवर है इसको हम दोबारा से फिट कर लेते हैं इसमें। तो ये देखें बिल्कुल फिट हो गया इसमें, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, बिल्कुल ये फिट है इसमें। तो अभी जो ये इसकी एडाप्टर की केबल है इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इसको घुमाएंगे, और बिल्कुल जो ये इसकी चार्जिंग वाली जगह है या ये USB वाली जगह है, यहाँ पे ये फिट हो जाएगा। ये देखें, तो इस तरह की शेप बन जाएगी। तो ये बिल्कुल फिट हो गया, अभी बिल्कुल नहीं हिल रहा। और अभी इसके साथ हमने एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करने हैं। तो मेरे पास जो माइक है मैं अपने DSLR के साथ यूज़ करता था पहले, तो यही वाला माइक जो है मैं अभी अपने GoPro के साथ अटैच करता हूँ। और ये जो वाला केस है इसके ऊपर स्पेशल से जगह बनी होती है जहाँ पे आपने माइक कनेक्ट करना होता है, जहाँ पे आपने माइक को फिट करना होता है। तो ये वाला माइक हम यहाँ पे फिट करते हैं इसे, ठीक है। ये यहाँ पे फिट हो गए। और ये जो माइक की केबल है इसको हम इस एडाप्टर में फिट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे चला गया। तो ये देखें, ये इस तरह से बिल्कुल इसका एक सेटअप बन गया है। और मज़े की बात ये है कि अगर आपने GoPro को चार्ज करना है तो आपने GoPro निकालने की ज़रूरत ही नहीं है केस में से, डायरेक्टली हम यहाँ से इसको चार्जिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट बनी हुई है। अभी जो नेक्स्ट है, इसके साथ हमने इसका ट्राईपोड अटैच करना है। जो GoPro का ट्राईपोड मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका ट्राईपोड हमने अटैच कर दिया है और ये इसका एक बेहतरीन किस्म का सेटअप बन गया है। ये देखें। अभी इसके साथ अगर हम आउटडोर व्लॉगिंग करें या इनडोर व्लॉगिंग करें तो बड़े आराम के साथ, बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी के साथ व्लॉगिंग कर सकते हैं। अभी इसको ऑन करके मैं इसके साथ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके चेक भी कर लेते हैं। और अभी मैं GoPro के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो चेक कर सकते हैं कि जो GoPro की अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो ठीक है, लेकिन उस अगर आप बाहर व्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो वो बाइक की जो डिस्टर्बेंस होती है, जो गाड़ियों का शोर होता है, हवा का शोर होता है, वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये जो उसका एक्सटर्नल माइक हमने लगाया है, तो अगर हम बाहर व्लॉगिंग करते हैं तो ये उस डिस्टर्बेंस को रोक। तो GoPro Hero 7 के साथ बड़ा प्यारा सा सेटअप बन गया है व्लॉगिंग के लिए। और जस्ट दो एक्सेसरीज़ मुझे परचेज़ करनी पड़ी थी, और ये जो मैंने परचेज़ किए हैं यहाँ अमेज़ोन जो मेक्सिको में, वहाँ से परचेज़ किए हैं। तो उसकी जो प्राइस है वो डॉलर में मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि कितनी है, और शायद आपको पाकिस्तान या इंडिया में ये आसानी से अवेलेबल होंगी। और नेक्स्ट टाइम जो आउटडोर में वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा तो इस व्लॉगिंग सेटअप के साथ करूँगा, तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि कैसी इसकी क्वालिटी है आउटडोर व्लॉगिंग के लिए। तो ये वाला जो माइक है वो मैं ऑलरेडी अपने DSLR के साथ यूज़ कर रहा था पहले से ही। तो जस्ट मुझे GoPro का जो केस है और जो एडाप्टर है वो परचेज़ करना पड़ा है। ओके गाइस, होपफुली आज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल वाला आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे जितनी भी आने वाली वीडियो हैं वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।